नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीपन स्टेलिंग। एक लेजी आफ्टरनून में जब आपको कुछ ज्यादा बनाने का मन ना हो पर कुछ अच्छा खाने को मन हो, तब आप मेरे ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जो है कि टोमेटो राइस। तो जैसा आपने देखा कि हमने टमाटो को बारीक काट लिया और साथ में प्याज को भी बारीक काट लिया। पहले प्रेशर कुकर लेके हम लोगों को 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल डालना। उसके बाद उसमें 2 इलायची, 1 तेजपत्ता, 2 सिनेमन स्टिक या तो दालचीनी और 3 लौंग डाल के उसको अच्छे से भूनना है। नेक्स्ट डालिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और फ्राई कीजिए जब तक ना रॉ स्मेल चला जाए। आपका चॉप ऑनियन तेल में डालना है, फिर उसको अच्छे से पकाना है जब तक ना वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, तो आपको अभी टमाटर डालना है। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक वो गल ना जाए। टमाटो फुल मेल्ट हो गया, अच्छे से पक गया। नेक्स्ट डालिए नमक करीबन 1/2 टेबलस्पून, हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून और गरम मसाला, वो भी 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले डालने के बाद आपको अच्छे से इसको पकाना है। मसाले से तेल छोड़ रहा है, टमाटो अच्छे से पक गया, सारे मसाले डालने के बाद भी वो अच्छे से भून लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग सोफ्ट राइस, कोई भी सोफ्ट राइस डाल सकते हैं। अगर आप बासमती में करना चाहो तो बासमती में करो, अगर आप अंबा मोड़े में करना चाहो तो अंबा मोड़े में, अगर परिमल में करना चाहो तो परिमल में। कोई भी सोफ्ट राइस जो कि 30 मिनट तक अपने सोफ कर लिया उसको उसके अंदर डाल दो।
जो भी क्वांटिटी का राइस आप लेंगे उससे डबल पानी चाहिए ताकि राइस पानी को पूरा सोख। उसके बाद प्रेशर कुकर का लिड बंद करके दो सीटी तक इंतजार कीजिए। टोमेटो राइस तैयार। टोमेटो राइस प्रिपेयर हो जाने के बाद आप कुकर से हल्का सा 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला को छिड़क सकते हो ताकि यू गेट अ वेरी नाइस स्मेल। आधा टेबलस्पून आप घी डाल सकते हो। ये आपको एक नाइस फ्लेवर साथ ही साथ एक नाइस टेस्ट देंगे। टोमेटो राइस आप रायता के साथ खा सकते हो। अगर आपको घर बैठे होटल या रेस्टोरेंट जैसे टेस्टी खाना चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आइटम नॉन वेज लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सो कीप वॉचिंग माई चैनल।